चलिए क्वेश्चन नंबर ना 42 पढ़ता हूँ मैं मेरे असाइनमेंट में। कहता है 42 में, ऑन 31 मार्च 2016 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट द कैपिटल पी क्यू आर स्टूड। अब देखो क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, अकाउंट बंद करने के बाद कैपिटल यानी क्लोजिंग कैपिटल है पी क्यू आर का 40, 30, 20। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, और पाया गया बाद में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया देना वो 31 मार्च को, और 60,000 ओमिटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2016 अमाउंट 60,000, प्रॉफिट बता दिया उसने 60,000 है ना। इसके बाद कहता है उसने ड्राइंग भी किए 10,000, 7500, 10,000, 7500 एंड 4500। द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर का, यहाँ पी क्यू आर है ना, हाँ वहाँ पे ओ हो गया गलती से, वो पी क्यू आर है 3:1 नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। बड़ा ही आसान है देखिए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ना देना ही भूल गया ये, तो कोई बात नहीं, देना नहीं भूल गया तो हम वापसी नहीं लेंगे ना इससे। तो सबसे पहले हमारे पास पार्टनर कौन कौन है, पी क्यू एंड आर, इनके कैपिटल को लिखो। सबसे पहले ये कैपिटल कौन सा कैपिटल है, जल्दी जल्दी जवाब दो। क्लोजिंग कैपिटल, बिल्कुल सही जवाब, 40, 30 और 20 कैपिटल, 40, 30। मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में। 30, सब्सिक्वेंटली डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, उसको छोड़िए, प्रॉफिट है 60,000, पीएसआर है 3:1। तो पहले तो भाई प्लस कर देते हैं ड्राइंग, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल है वो। कैसे पता चला, यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा, जो कैपिटल है बुक्स जो दे रखा है क्लोजिंग अकाउंट आफ्टर द क्लोजिंग, और 31 मार्च भी ऐसे ही पता चल गया। तो ड्राइंग है भाई 10,000, और वहाँ पे पी और वो क्यू है, ठीक है, तो इसका 10,000 है, वहाँ पे ओ आप मत समझ लेना, और दूसरे का है 7500। ओहो, प्लस में कहाँ से ब्रैकेट आता है भाई, हाँ जी प्लस में तो ब्रैकेट आता ही नहीं, माइनस कर दे प्रॉफिट। हाँ सर कर दो प्रॉफिट माइनस, किस रेशो में सर, रेशो बताते हैं हम आपको 3:2 एंड 1। प्रॉफिट तो बताओ, प्रॉफिट तो बताओ आप सर, 60,000 है ना, ओके तो 30,000, 30 के बाद आपका 20 और 10, वाकई में 60,000 है क्या, कैपिटल तो 40, 30 और प्रॉफिट 60, बढ़िया कंपनी भाई, कहीं मैंने अलग तो नहीं देख लिया। वाह भाई वाह, बड़ी मस्त कंपनी है ये, बड़े जोर शोर पे चल रही है, 40 प्लस 10 50 माइनस 30 20, 30,000 प्लस 7500 माइनस 20, 17,500, 20,000 ये ब्रैकेट में, प्लस 4,500 माइनस 10,000, 14,500। अब क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, जो कि कितना था हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा क्वेश्चन में 5%, देना ही भूल गया। तो सबसे पहले तो भाई प्रॉफिट रिटर्न बैक करो, तो प्रॉफिट रिटर्न बैक करते हैं रेड मार्कर से करते हैं, चलो। तो कितना कितना प्रॉफिट, इसके हिस्से से 30 निकाल लिया सर, बी के हिस्से से 20 निकाल लिया सर, इसके हिस्से से 10 निकाल लिया सर, और यहाँ पे पूरे 60 क्रेडिट कर दिए, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, तो दे देते हैं, वापसी वगैरह का तो कोई चक्कर है नहीं, तो भूल गया वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे करा हुआ है फिर भी मैं करा रहा हूँ, क्रॉस वेरीफाई कर लेना क्वेश्चन आप। 5%, तो 5% इस पे निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल पे, तो 20,000 पे 5%, 1,000, 17,500 पे 5%, 875, और 14,500 पे 5%, 725, और 875 और 1,000 होते हैं 2,600 रुपये डेबिट। तो 6,000,
6,000 माइनस में 2,600, तो 3,400 और इनको प्रॉफिट के रूप में बांट देते हैं। किस रेशो में दे ही रखा है आपको? 2, 3, 6, ये तो पॉइंट में आ गया। 3, 2, ओहो 3, 2, 1, 7 गड़बड़ कर दी। 3, 2, 3, 2, 5, 1, 6 ठीक है। और चलो कोई नहीं, तो 3,400 रुपये 3, 2, 1, 6 इंटू में 3, ये आ जाएगा 1,500 रुपये। इसके हिस्से में 1,500 प्रॉफिट गिवन है ना, इसके हिस्से में 1,500, 1,499.99 आया, तो मैं 1,500 कर देता हूँ। और 2, 1,133, 2, 1, 567 कर देता हूँ। ठीक है चलिए अब करते हैं। तो 30 इधर गई टोटल भाई, ज्यादा है यहाँ तो। और कुछ रह गया क्या? ओहो गड़बड़ कर दी ना, ये 34,000 होगा ना, 60,000 है मेरे भाई, 60,000 है ये, तभी कहूँ पॉइंट में कैसे आ गया। कभी कभी ना जब क्वेश्चन गलत होता है तो मन से ही आवाज आने लगती है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है। तो 57,600 बटेगा डिवाइडेड बाय 6, अभी भी वैसे हालांकि पॉइंट में है लेकिन लग रहा था कहीं ना कहीं गलत है। तो 28,700, 19,133, 1,9,567। कुछ बच्चे तो पॉइंट में आते, बस रजिस्टर विस्टर छोड़ा, बस ये तो नहीं होगा जी हमसे पॉइंट में आ गया, ये तो अब तो हो ही नहीं सकता। नहीं करने की कोशिश करो ना, एग्जाम में थोड़ी छोड़ना है हमें, एग्जाम में तो एग्जामिनर के सामने सारे क्वेश्चन ही हमें करके दिखाने हैं। तो 30,000 माइनस 1,000 माइनस 28,700, 300 रुपये आ गए है ना। तो 300 रुपये डेबिट, 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ यहाँ पे आ गया हमारा डेबिट। और इसका देखते हैं, 20,000, 19,133, 875, 8, और ओहो देखो देखो 8 रुपये से आया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ऐसा थोड़ी होगा, हो सकता है भाई 8 रुपये से क्रेडिट करेंगे हम यहाँ पे। 9,567, 725, 10,292 यहाँ भी क्रेडिट होगा 292 से। ठीक है तो देखो ये डेबिट और 2 क्रेडिट, तो आंसर बी और सी क्रेडिट। तो बी इज कैपिटल, ओ पी क्यू आर था क्या? ओ क्या था, क्या था? पी क्यू आर, पी क्यू आर, टेंशन मत लो आपके लिए लिख देते हैं। पी का कैपिटल डेबिट, टू क्यूज कैपिटल, सीक्वेंस में हो गया ये तो, लो 2 आर्स कैपिटल, पी में 300, यहाँ पे 8, 292 है ना। क्वेश्चन 42 कर लिया हमने, आज क्वेश्चन खत्म करके ही रहेंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए, इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। नोट करिए इसको जल्दी जल्दी। हाँ जी बच्चे, एक आपको बोर्ड पे सॉल्यूशन मिलेगा, वो गलती से रिकॉर्डिंग का स्विच ऑन नहीं हुआ तो, लेकिन मैंने बोर्ड पे तो कर दिया, तो मैं समझा देता हूँ। आपके बुक का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर जैसे कि देखोगे आप 43, ठीक है 43 असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 43, आप बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी और सी पार्टनर है, देखो तीन पार्टनर है, एक ए है बी है और सी है। कहता है द कैपिटल ऑफ 30,000, 20,000 एंड 10,000, तीनों का कैपिटल दे दिया, तो कैपिटल लिख दिया मैंने 30,000, 20,000 एंड 10,000 तीनों का, ए बी और सी का।
कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा 5%, तो 5% हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है बी ऑल्सो एंटाइट सैलरी 500 पर मंथ, तो बी को भाई सैलरी दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा 500 पर मंथ के हिसाब से, कोई बात नहीं। कहता है लेकिन सी को दिया जाएगा कमीशन 5% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। इसका कहने का मतलब है सी को कमीशन दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, लेकिन सैलरी माइनस नहीं होना चाहिए। आगे कहता है नेट प्रॉफिट 30,000 रुपीज, जो कि देखो मैंने यहां मेंशन कर दिया नेट प्रॉफिट 30,000 रुपीज। कहता है कि इन्होंने कैपिटल रेशो में, तो कैपिटल रेशो में विदाउट अबव एडजस्टमेंट, कहता है इन्होंने जो प्रॉफिट बांटा ना गलती से वो कैपिटल रेशो में बांटा, जो कि कैपिटल रेशो क्या आएगा 3, 2 और 1, और पीएसआर कितना होना चाहिए, होना जो चाहिए वो 5, 3, 2 में है। तो ओवरऑल समरी में बताऊं तो तीन पार्टनर है, तीनों ने क्या करा प्रॉफिट को बांट लिया विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, विदाउट कमीशन के, विदाउट सैलरी के, और प्रॉफिट एंड लॉस भी जो बांटा ना वो बांटा उन्होंने अपने कैपिटल रेशियो में, जबकि बटना चाहिए था 5:3:2 में। तो चलो सबसे पहले हम इसके प्रॉफिट को वापस लेते हैं। तो जब मैं प्रॉफिट को वापस लूंगा 30,000 को, और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कुछ नहीं कहता, तो जब प्रॉफिट को वापसी लूंगा तो किस रेशियो में लूंगा, इस रेशियो में, तो मैंने वापस ले लिया 15, 10, 5 और 30। देखिए पहले ये वाला पॉइंट क्लियर है ना, 30,000 को हमने इस रेशो में वापस ले लिया इसको, ठीक है। चलिए अब क्या देंगे, मैंने बोला पहले भाई बी को सैलरी दे दो, तो ये देखो मैंने बी को क्या दिया, यहाँ पे सैलरी दे दिया है, बी को मैंने यहाँ पे सैलरी दे दिया है। चलो मैंने बी को सैलरी दे दिया 6,000, कैसे 6,000 बोलता है ये। उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% होती है, 30,000 पे 5%, 1,500 क्रेडिट, 30,000, 20,000 पे 5%, 1,000 और 10,000 पे 500, और ये यहाँ पे 6,000 फॉर्म में भी लिख दिया मैंने, दोनों पैरेलल चलते हैं ना फॉर्म और ये लेके, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है हमारा कि हमें कमीशन देना है, तो कमीशन बोलता है नेट प्रॉफिट पे दो, लेकिन इस 30,000 पे मत दो मुझे, इस 30 में से पहले आप माइनस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000। मैंने बोला कि भाई इसमें से क्या हम सैलरी भी माइनस कर दे, क्वेश्चन में बोलते हैं नहीं विदाउट आपका बिफोर सैलरी, ठीक है। तो इस पे निकालना है, तो 2,700 मैंने निकाला इस पे, तो इस पे कितने देना है 5%, तो 5% इसको कमीशन भी मिल गया। आगे देखते हैं, तो ध्यान से देखना, हमने सैलरी भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, और कमीशन, कमीशन कैसे निकाला ये रहा हमारा इसका, और इसके ऊपर हमने 5% चार्ज किया है, ठीक है, कमीशन भी चार्ज हो गया। अब कमीशन चार्ज होने के बाद अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब सिंपली हमें क्या करना है, फर्म का टोटल करना है, टोटल किया तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या निकला हमारा 19,650, जिसको किस रेशो में बांटना है, जिसको बांटना है इस रेशो में 5:3:2 के रेशो में, जिसको बांटना है किस रेशो में 5:3:2, जो कि मैंने बांटा तो इनके हिस्से में ये आया। अब मैंने टोटलिंग किया तो टोटल 15,000 ज्यादा है, तो डेबिट कर दिया इतने से, यहाँ टोटल किया तो इधर का टोटल ज्यादा है क्रेडिट का, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है ये, यहाँ टोटल किया तो यहाँ भी क्रेडिट। इसके बाद जर्नल एंट्री में देखा मैंने ए को डेबिट, बी को क्रेडिट और सी को क्रेडिट, ए बी और सी, और इसके अमाउंट से कर दिया। तो देखो कई बार आपको नोट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले दोबारा पीछे करके वीडियो मैंने पूरा कर रखा है, नोट करिएगा उसके बाद। अब कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी मैं आपको सोल्यूशन करवाऊँ, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए और वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करें आप। कुछ बच्चे आते हैं बस वीडियो देखा, कुछ बाहर जो मैं जो यहाँ पढ़ते हैं वो तो सारे बच्चे देखते ही हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन कुछ है जो कि अगर बाहर के बच्चे भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे थोड़ा अप्रिसिएशन बढ़ता है, ठीक है ना। तो चलिए आप फटाफट से करिए और इसको नोट करने के बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे।